हाय फ्रेंड, मैं सचिन, माय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होते हैं, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तो उसमें जो है प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो जो सॉरी जो कॉस्ट प्राइस 8 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, यही है, ठीक है। इसने बोला है कि अगर जितने रुपए में 8 किताबें खरीदी गई उतने रुपए में 6 किताबों को बेचकर ही 8 किताबों के मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमा लिया गया। इसका मतलब जो 2 किताबें बची है ये इसका प्रॉफिट है। तो जो 2 किताबें हैं 6 किताबों के मुकाबले जो बचा हुआ है वो कितना परसेंट है यही निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यही है 2 ना, 6 और 2 8, तो जो 2 किताबें बची वो कितना परसेंट ये निकालेंगे, 2 के ऊपर जो 6 है कितना परसेंट ये निकालेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट बन जाएगा, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। 200 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 200 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 बचा हुआ है 2 बचेगा, 6 3 18 बचा हुआ है 2 बचेगा, ठीक है। 33 ऑफ 2 बाई 6 मतलब कि इसमें से ये वाला आंसर है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेंसिल, फाइंड द गेन परसेंटेज, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल है, कॉस्ट मतलब जितने रुपए हम खरीदा, जो कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल है ये जो बराबर है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेंसिल का, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेंसिल, ठीक है। इसने जो 8 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब जितने रुपए में इसने 8 पेंसिल खरीदा उतने रुपए में 7 पेंसिल बेचकर ही इसने जो है 8 पेंसिल के बराबर इसने जो है पैसे कमा लिए। इसका मतलब एक पेंसिल इसके पास जो बची है उस पर इसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा यही निकालना है, ठीक है। तो इसने जो है एक पेंसिल जो बची हुई है, एक पेंसिल के ऊपर ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, मतलब 7 का 1 जो है कितना परसेंट है ये निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/7 7 का 1 जो है कितना परसेंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100/7। जब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 1 7 3 बचा हुआ है, 7 4 20 8 हो गया, 2 बचा हुआ है तो 14 ऑफ 2/7। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ 14 ऑफ 2/7% का इसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 14 ऑफ 2/7% का प्रॉफिट हुआ, तो यही है प्रॉफिट परसेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को जैसा ही है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस है 24 वस्तुओं का वो 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब जितने रुपए में 24 वस्तुओं को खरीदा उतने रुपए में 18 वस्तुओं को बेचकर ही कमा लिया, मतलब
छह वस्तुओं का, इसके ऊपर छह जो वस्तुएं बची हुई हैं, ये जो प्रस यही यही इसका प्रॉफिट है। छह वस्तुएं 18 वस्तुओं के कितने प्रॉफिट के परसेंट के बराबर है ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6, 18 ये कितना परसेंट के बराबर है इसको निकाल लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 3 18, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 300 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 300 इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 100 आएगा, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 100 इज डिवाइडेड बाई 3, 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचने वाला है, 3 3 9 हो गया, 1 बचने वाला है, इसका मतलब 33 ऑफ 1/3%, इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू।